तो बहुत सारे हमारे पास इमेज रेटिंग टूल्स हैं, जैसे गिम्प। गिम्प से स्टार्ट करते हैं, गिम्प से हम देख रहे हैं। ये है जीएनयू, इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। इसका मतलब है जीएनयू, आई से है इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। अब जीएनयू क्या है? ये अपने में अलग एक कॉन्सेप्ट है। आप समझ लीजिए कि ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमको बहुत सारी फ्री चीज़ें मिलती हैं, फ्री ओपन सोर्स बनाते हैं। तो ये फ्री और पावरफुल बड़ा ओपन सोर्स इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर या टूल है। इसमें आप फोटो का रिटच भी कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें एल्गोरिथम्स हैं, वैल्यूज़ हैं और ऑप्शंस हैं जो हम अभी देखेंगे। ऐसे फास्ट और इमेज व्यूअर है, ये इंटरैक्टिव एप्लीकेशन है जिसमें आप इमेज एडिटिंग कर सकते हैं, इमेज को ब्राउज कर सकते हैं, इमेज को कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। जितने भी मेजर फॉर्मेट में है इसमें दिए गए हैं, इसको आप ये डील करता है इमेज व्यूअर। इसके अलावा ईमेल फैसिलिटी भी दी हुई है इसमें, बहुत सारे ट्रांजिशनल इफेक्ट हैं इसमें, मैग्निफिकेशन बड़ा हाई क्वालिटी है, स्कैनिंग फैसिलिटी है और एनोटेशन। इमेज के ऊपर आप कुछ लिख सकते हैं, वो मतलब टेक्स्ट लिख सकते हैं। फास्ट और इमेज व्यूअर ऐसे बहुत सारे हैं, ये कुछ का नाम हमने दिया है, ऐसा नहीं कि यही सब है। सेरिफ फोटो प्लस X4, अगर आप देखेंगे आजकल आपके मोबाइल में जैसे आप इमेज खींचते हैं, चाहे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो मोबाइल में, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे और कोई हो, तो उसमें अपने आप इमेज एडिटिंग देता है। तो वो बेसिक इमेज एडिटिंग होती है, इमेज प्रोसेसिंग होती है। जैसे सेरिफ फोटो प्लस X4, ये बड़ा, इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं इमेज एडिटिंग के और ये बड़ा यूजर फ्रेंडली है। जैसे फोटो ऑर्गेनाइजर है इसमें, स्क्रैप बुकिंग है, ग्रीटिंग कार्ड्स है, वेब गैलरीज है, तो ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं। फोटो इम्प्रेशन है, ये अलग अलग इसके वर्जन्स आते हैं, इसमें भी इमेज एडिटिंग फैसिलिटी है, बड़ा ये भी बड़ा आसान है और ये आपके फोटोज को बड़ा आसानी से ऑर्गेनाइज कर देता है और बहुत आसानी से प्रिंट कर सकते हैं आप इसमें। ऐसे फोटो स्टूडियो है, इसमें क्या है कि आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, वो भी एनिमेटेड, वो भी मूव करता हुआ। एक स्टैम्पिंग फैसिलिटी है और जो हाई बिट डेप्थ इमेजेस है उन पे ये काम कर सकते हैं आप। अलग अलग लेयर्स बना के काम कर सकते हैं, जैसे हम इमेज एडिटिंग पर्पस के लिए अलग अलग लेयर बना दें, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, फिर उसको कंबाइन कर दें। जो रॉ फोटोज हैं उसको बड़े आसानी से बहुत सुंदर बनाया जा सकता है और बहुत इसका नेविगेशन बड़ा आसान है। एक्चुअली पिकासा ये बहुत लोग यूज करते हैं, वो बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो इसमें एक बिल्ट इन एडिटर है जो इतना स्ट्रांग है कि जो नए यूजर्स हैं, जैसे आप और मेरे जैसे कोई नए यूजर्स हो, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, तो बेसिक कलर करेक्शन हो, क्रॉपिंग हो, काटना पीटना हो, या और भी बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट इसमें दिए हैं और बहुत शानदार इसमें चीजें निकल के आती हैं। ये पिकासा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से जो हमने पहले देखे ना गिम्प वगैरह की तरह बहुत डिटेल एडिटिंग नहीं है इसमें, लेकिन आपका छोटा काम, बेसिक काम जो आप इमेज में करना चाहते हैं वो सब इसमें अवेलेबल है। और बहुत जितने भी आप डिजिटल कैमरास देख रहे हैं उसमें अब पिकासा आपको जरूर मिलेगा। पेंट डॉट नेट है, एक पेंट डॉट नेट इंटरफेस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि सब में अपनी अपनी नई नई चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें जिसके कारण लोग यूज़ करते हैं, जैसे कर्व शेप है, स्नैप मेकिंग है। विंडोज यूजर बड़े इसको यूज करते हैं, बहुत पावरफुल इमेज एडिटर है ये। ऐसे फोटो, ये एक्सक्लेमेशन मार्क एडिटर है, ये भी एक मल्टी फंक्शन सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या है कि बहुत सारे आपको इमेज एडिटिंग टूल इसमें अवेलेबल है। जो भी एक डिजिटल कैमरा रखता है वो अपने इमेज को, अगर बाई चांस उससे गलत खींच गई है, क्योंकि वो मौका तो दोबारा नहीं आएगा ना, एक बार इमेज खींच लिया आपने उसके बाद तो मौका दोबारा नहीं आएगा, वो बाद में ही आप आएगा, उस चीज को आप दोबारा रिग्रेट नहीं कर सकते। तो उस वो जो इमेज गड़बड़ हो गई उसको ठीक करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है, बड़ा कन्वीनियंस है इसमें और प्रोफेशनल टच भी देता है। इंक स्पेस है, ये भी ओपन सोर्स इमेजिंग एडिटिंग टूल है, इसमें भी बहुत सारे पावरफुल टूल्स है। एडोब फोटोशॉप ये सबसे, जिसे कहेंगे ना कि टॉप पे है, एडोब फोटोशॉप जो है बहुत सारे लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसको एक बार सीख गए तो आप मास्टर हो जाएंगे इमेज के बारे में। इंक स्पेस है, ये इसका ऑल्टरनेटिव है बेसिकली, वेक्टर बेस कंट्रोल है जैसे एडोब इलस्ट्रेटर में आप देखते हैं, और इसमें नोड एडिटिंग है, बिटमैप ट्रेसिंग है,
डायरेक्टली आप XML को एडिट कर सकते हैं, अल्फा ब्लेंडिंग है, अल्फा जो उसके लिए होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो ये भी अपना एक अपने आप में एक वजूद रखता है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है ये। ऐसी आपका कोरेल पेंट शॉप फोटो प्रो X3, ये मैं जो बता रहा हूँ ना, जब आप ये देख रहे होंगे हो सकता है इसका कोई और वर्जन हो अवेलेबल, तो आप ये जान लीजिए कि बेसिक क्या चीज़ है ये। आपकी इमेजेस को एडजस्टमेंट करना है, टेढ़ी हो गई है, क्लीनअप करना है, इसमें एक इंटीग्रेटेड फोटो ऑर्गेनाइजर है और बहुत अच्छे टूल है इसमें, एनहांसमेंट टूल्स है इसमें। ध्यान रखिएगा कि जो कोरेल का इंटरफेस है बड़ा स्मूथ होता है, कोरेल ड्रॉ वगैरह आपने देखा होगा, और इसके कारण से आप फोटोज को आराम से एडिट और ऑर्गेनाइज करते हैं। बेसिक टूल्स जो भी ये टूल्स हैं, बेसिक इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक जो चीज़ें वो तो होंगी होंगी,